सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं, और सच ही कहा है किसी ने कि सांच को आंच नहीं। हिंदुओं के आध्यात्मिक देवता भगवान राम के अस्तित्व और राम मंदिर पर संदेह करने वालों के लिए आंख खोलने वाली सच्चाई सामने आई है, जो सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक निष्पक्ष फैसले पर भी मुहर लगाती है। राम मंदिर निर्माण के लिए बनाई गई ट्रस्ट श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का कहना है कि समतलीकरण के दौरान काफी संख्या में पुरावशेष जैसे देवी देवताओं की खंडित मूर्तियां, पुष्प कलश, आमलक, दोरजाम, मेहराब के पत्थर, 7 ब्लैक टच स्टोन के स्तंभ, 8 रेड स्टैंड स्टोन के स्तंभ और 5 फीट आकार की नक्काशी युक्त शिवलिंग की आकृति मिली है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महामंत्री चंपत राय ने बताया है कि मलबा हटाने के दौरान कई मूर्तियां और एक बड़ा शिवलिंग मिला है। हालांकि रामलला अपने स्थायी निवास में विराजमान है, पर राम मंदिर निर्माण की राह में रोड़ा बनी पार्टियां क्या कुछ बोलने लायक बची हैं? दशकों से दो समुदायों के बीच वैमनस्य घोलने वाली पार्टी जिसने 70 सालों तक देश पर राज किया, क्या उन्हें हिंदुओं की आध्यात्मिक भावना का कोई ख्याल नहीं था? क्या दो समुदायों के बीच जहर घोलकर बांटो और राज करो की राजनीति नहीं की गई? राजनीति के लिए भगवान के साथ भी अन्याय किया गया। ये वो पार्टी है जिन्हें न राम मंदिर में विश्वास है और न ही राम सेतु में। दरअसल उन्हें भगवान राम में ही विश्वास नहीं है। अगर होता तो राम मंदिर को विवाद बनाकर इतने सालों तक जिंदा नहीं रखा गया होता। समाज में वैमनस्य विवाद को खत्म करके किया जाता है, पर दो समुदायों को भिड़ाने के लिए राम मंदिर को राजनीति की आंच पर पकाने का पाप किया गया। कहते हैं कि भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं। सवेरा हुआ और भगवान राम को अपने घर का अधिकार मिला, साथ ही दशकों पुराने विवाद का भी अंत हो गया। शायद भगवान राम खुद अपनी परीक्षा ले रहे थे ताकि हम इंसानों को अच्छे और बुरे कर्मों, व्यक्तियों के बारे में समझाया जा सके, उनसे सचेत किया जा सके। आज राम मंदिर परिसर में मिल रहे अवशेष चीख चीख कर अपने साथ हुई बेइंसाफी की कहानी बयां कर रहे हैं। अब राम जी की कृपा से आंख खुल चुकी है, आंख की किरकिरी निकल चुकी है और सब कुछ साफ साफ नजर आने लगा है। कोई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे साखा, अस कही लगे जपन हरिनामा, गई सती जह प्रभु सुखधामा। जय श्री राम।